इस वीडियो में हम न्यूटन्स फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड इंटरपोलेशन देखेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले तो इंटरपोलेशन यानी हमें अगर कोई वैल्यूज का सेट दिया है और उस वैल्यूज के सेट के बीच में की अगर हमें वैल्यूज ढूंढनी है तो हम इंटरपोलेशन को इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन सबसे पहले हम देखने वाले हैं। तो अगर हमें एक बहुत बड़ा सेट दिया है जिसमें बहुत सारी वैल्यूज हमें दी है और अगर हमारी जो वैल्यू है वो टेबल के बीच में, सॉरी, टेबल के शुरुआत में या फिर फर्स्ट हाफ ऑफ द से डेटा सेट अगर आती है, यानी किसी भी टेबल के शुरुआत में अगर हमें आती हमारी वैल्यूज आती है तो हमें न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन इस्तेमाल करना पड़ता है। तो इट मे बी बेटर टू स्टार्ट एस्टिमेशन प्रोसेस फ्रॉम द फर्स्ट डाटा सेट पॉइंट। फॉर दिस वी नीड टू यूज फॉरवर्ड डिफरेंस एंड फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल। तो सबसे पहले तो फॉरवर्ड डिफरेंसेस क्या है वो देख लेते हैं। तो फॉरवर्ड डिफरेंसेस यानी अगर हमारे पास y0, y1, y2 अप टू yn वैल्यूज दी हुई है तो y1 माइनस y0, y2 माइनस y1, y3 माइनस y2 या फिर yn माइनस yn माइनस 1 तक जो वैल्यूज रहेगी उसे हम फॉरवर्ड डिफरेंसेस कहेंगे। इसको हम डिनोट करेंगे डेल्टा y0, डेल्टा y1, डेल्टा y2, डेल्टा yn माइनस 1 से। अब इसी को हम कहते हैं फॉरवर्ड डिफरेंसेस और उसके बेसिस पे हमारा एक फॉर्मूला हमें यहाँ पे मिलता है न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन में। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है y इक्वल टू y0 प्लस u टाइम्स डेल्टा y0 प्लस u मल्टीप्लाइड बाय u माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल डेल्टा स्क्वायर y0। अब ये प्रोसेस कंटिन्यू होती जाएगी अप टू nth फॉरवर्ड डिफरेंस यानी डेल्टा n रेस टू y0 तक। तो आपको ये फॉर्मूला यहाँ पे याद करना है जो हमारे प्रॉब्लम्स में हम इस्तेमाल करने वाले हैं। तो यहाँ पर एक टर्म आई है u, हमने पहले ही बोला है कि y0 या फिर डेल्टा y0 ये टर्म्स क्या है। तो डेल्टा y0 का मतलब है y1 माइनस y0, डेल स्क्वायर y0 क्या है तो डेल टू y0 क्या है ये मैं आपको नेक्स्ट जो टेबल है वहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। यहाँ पर u करके एक टर्म है, u का मतलब है यहाँ पे x माइनस x0 डिवाइडेड बाय h। h जो होता है वो हमारा इंटरवल होता है जो कि यहाँ पर इक्वल इंटरवल होना नेसेसरी है। तो एज दिस यूजेज द फॉरवर्ड डिफरेंसेस इट इज कॉल्ड न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला फॉर इंटरपोलेशन। तो इस यहाँ पर हम फॉरवर्ड डेल्टा y0, डेल्टा 2y0, डेल्टा 3y0 ये टर्म्स इस्तेमाल कर रहे हैं, इसको हम फॉरवर्ड डिफरेंसेस कहते हैं। तो ये यहाँ पर इस्तेमाल हो रही है इसीलिए ये फॉरवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला हो गया, और या फिर हम इसे कहते हैं न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला, या फिर इसका और एक नाम है न्यूटन्स ग्रेगरी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला। तो फॉरवर्ड डिफरेंसेस टेबल ये है, हम यहाँ पर मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि फॉरवर्ड डिफरेंसेस क्या रहती है। तो हमने ऑलरेडी देखी है डेल्टा y0 का मतलब है y1 माइनस y0। अब दोस्तों देखिए, अगर हमारी एक टर्म है x और एक टर्म है y, और x जो है इसका x1 x2 अप टू xn हो सकता है, तो यहाँ पर हमने 5 वैल्यूज कंसिडर की है। तो x0 x1 x2 x3 x4 x5 तक यहाँ पर x की वैल्यूज है, और y जो है ये अगर फंक्शन ऑफ x है यानी y इज इक्वल टू f ऑफ x अगर है तो y0 y1 y2 ये अप टू 5 वैल्यूज होगी, और इसके बेसिस पे हमें अगर यहाँ पर फॉरवर्ड डिफरेंस पहला फॉरवर्ड डिफरेंस देखना है तो ये हो गया डेल्टा y। तो डेल्टा y0, डेल्टा y1, डेल्टा y2, डेल्टा y3, डेल्टा y4। अब डेल्टा y0 क्या है तो ये है y1 माइनस y0, डेल्टा y1 क्या है तो नीचे वाली टर्म यानी y2 माइनस y1, डेल्टा y2 क्या है तो y3 माइनस y2, इस तरह से ये कंटिन्यू होता जाएगा यानी निचली वाली टर्म माइनस ऊपर वाली टर्म। तो ये है
फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस, सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस यानी अब हमने ऑलरेडी डेल्टा वाई जीरो डेल्टा वाई वन कैलकुलेट कर दिए है, तो डेल्टा टू वाई जीरो का मतलब है ये वाली टर्म, दैट इज डेल्टा वाई वन माइनस डेल्टा वाई जीरो। डेल्टा टू वाई वन का मतलब है डेल्टा वाई टू माइनस डेल्टा वाई वन। सिमिलरली डेल्टा वाई थ्री का मतलब रहेगा डेल्टा टू वाई वन माइनस डेल्टा टू वाई जीरो। इस तरह से ये टर्म्स कंटिन्यू होती रहेगी, यानी हम टेबल में क्या कर रहे हैं, तो नीचे वाली टर्म माइनस ऊपर वाली टर्म, नीचे वाली टर्म माइनस ऊपर वाली टर्म, ऐसे करते करते हम कंटिन्यू करते जाएंगे जब हमें एक आखिरी वाली टर्म मिलेगी। दोस्तों यहाँ पर हमें एक और चीज यहाँ पर ध्यान में रखनी है कि ये एक्स वाली टर्म्स अगर हम एक्स जीरो से शुरू करते हैं तो यहाँ पर आखिरी वाली टर्म रहेगी एक्स फाइव, तो हमारा जो आखिरी वाला टर्म रहेगा वो रहेगा डेल्टा फाइव वाई जीरो। यानी टोटल अगर सिक्स टर्म्स है, ये आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर टोटल सिक्स टर्म्स है, और तो हमारा जो आखिरी वाला डिफरेंस रहेगा वो 6 माइनस 1 दैट इज 5 रहेगा। तो ये है हमारा फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल। दोस्तों यहाँ पर एक और आपको ध्यान में रखना है कि चलिए इसे नेक्स्ट टेबल पे मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि ये है हमारा फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल। अब यहाँ पर मैंने हर एक वैल्यूज एक्सप्लेन नहीं की है, तो ये वाई जीरो टू वाई फाइव टर्म्स है अपनी, ये पहला फॉरवर्ड डिफरेंस, ये सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस, ये थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ये फाइव फॉरवर्ड डिफरेंसेस यहाँ पर है। तो ये हो गया डेल्टा वाई जीरो डेल्टा वाई वन डेल्टा वाई टू डेल्टा वाई थ्री एक्सेट्रा। तो यहाँ पर एक और चीज आपको ध्यान में रखनी है कि ये जो टर्म्स है वो हम यहाँ पर जो इस्तेमाल कर रहे हैं, ये अगर हम फॉरवर्ड डिफरेंस इस्तेमाल कर रहे हैं तो ऊपर वाली जो टर्म्स है यानी वाई जीरो डेल्टा वाई जीरो डेल्टा टू वाई जीरो डेल्टा थ्री वाई जीरो, यानी जो वाई जीरो वाली पूरी की पूरी टर्म्स है ये हमें इस्तेमाल करनी पड़ती है अगर हम फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल इस्तेमाल कर रहे हैं। तो एक इसका न्यूमेरिकल एग्जाम्पल देख लेते हैं। यह है हमारा एग्जाम्पल, फाइंड एफ ऑफ वन फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल। अब कुछ वैल्यूज यहाँ पर दी है x और y के टर्म्स में, आप यहाँ पर देख सकते हैं 0 2 4 6 8, तो ये है x की वैल्यूज और y इज इक्वल टू एफ ऑफ x है। ये जो y की वैल्यूज है वो x पे डिपेंड करती है, ये दी है 5961209501। अब हमें यहाँ पर एफ ऑफ वन कैलकुलेट करना है, लेकिन हमें बताया नहीं गया है कि हमें फॉरवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला इस्तेमाल करना है या फिर बैकवर्ड इंटरपोलेशन इस्तेमाल यहाँ पर करना है। तो हमें डिसाइड करना पड़ता है कि हमें फॉरवर्ड इस्तेमाल करना है या बैकवर्ड करना है। तो हम अगर सेट ऑफ वैल्यूज इनिशियल स्टेज में आती है तो ये जो एफ ऑफ वन है आप देख सकते हैं ये जीरो और टू के बीच में है, यानी स्टार्ट ऑफ द टेबल एट द बिगिनिंग ऑफ टेबल है। अगर वैसा रहता है तो हम फॉरवर्ड इंटरपोलेशन इस्तेमाल करते हैं। तो अगर ये एंड में रहेगा यानी 6 और 8 के बीच में या फिर ये 4 to 8 के बीच में अगर रहता है तो उस वक्त हम इस्तेमाल करेंगे बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला। तो हमें ये डिसाइड करना है कि हमें फॉरवर्ड इस्तेमाल करना है या बैकवर्ड इस्तेमाल करना है। अब हमें फाइंड करना है एफ ऑफ वन, इसका मतलब है एट द बिगिनिंग है, नियर द बिगिनिंग ऑफ सेट ऑफ टेबुलर वैल्यूज, सो वी विल यूज फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूला। अब यहाँ पर टर्म्स कितनी है, अगर हम जीरो से शुरू करते हैं तो 0 1 2 3 4, तो टोटल टर्म्स है यहाँ पर 5, तो 5 माइनस 1 यानी 4 अपना आखिरी वाला टर्म रहेगा, दैट इज डेल्टा 4y0। तो हमारा जो फॉर्मूला है अप टू डेल्टा 4y0 तक यहाँ पर रहेगा। तो पहला जो है ये है वाई जीरो प्लस यू डेल्टा वाई जीरो प्लस यू मल्टीप्लाइड बाई यू माइनस वन अपॉन टू फैक्टोरियल डेल्टा 2y0, देन यू u माइनस वन यू माइनस टू अपॉन थ्री फैक्टोरियल डेल्टा 3y0 प्लस आखिरी वाले इसमें चार टर्म्स रहेगी u u माइनस वन u माइनस टू u माइनस थ्री डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल। ये इसी तरह से कंटिन्यू रहेगा अगर ये टर्म्स ज्यादा रहेगी तो। यहाँ पर हमारी 5 टर्म्स थी तो यहाँ पर हमारा जो डिफरेंस फॉर्मूला है वो अप टू 4 तक रहेगा। अब u की वैल्यू रहती है x माइनस एक्स एन, सॉरी ये रहता है x माइनस एक्स जीरो, तो x माइनस एक्स जीरो अपॉन
एच हमारा फॉर्मूला है। तो एक्स की वैल्यू क्या है, तो एक्स की वैल्यू यानी ये जो हमें दी है एफ ऑफ वन हमें फाइंड करना है, तो एक्स की वैल्यू हो गई वन। एक्स जीरो की वैल्यू यानी पहली वाली टर्म, ये है एक्स जीरो, ये है एक्स वन, इस तरह से। तो एक्स जीरो यानी यहाँ पर है जीरो, और एच की वैल्यू यानी एच है इंटरवल। तो देखिए दोस्तों इसका डिफरेंस है जीरो टू, टू टू फोर, दोनों में डिफरेंस है फोर, टू टू का। तो यहाँ पर इंटरवल है एच इज इक्व टू टू। अब अगर हम ऊपर वाले फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करते हैं तो ये होगा 1 माइनस 0.2, दैट इज 1 बाय 2, इसका मतलब है 0.5। तो u की वैल्यू है 0.5। अब हमें इस्तेमाल करना है फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल, तो फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल यहाँ पर हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर x और y की टर्म ऑलरेडी लिख ली है, x की 0, 2, 4, 6, 8 ये टर्म थी, y की 5, 9, 61, 209 और 501 थी। तो यहाँ पर डेल्टा वाई जीरो अब हमें कैलकुलेट करना है, तो डेल्टा वाई जीरो की वैल्यू क्या रहेगी, तो ये है 9 माइनस 5, यानी नीचे वाली टर्म माइनस ऊपर वाली टर्म हम यहाँ पर लिखते हैं, तो ये हो जाता है 4। देन 61 माइनस 9 ये रहता है 52। अब इसका जो डिफरेंस है 209 माइनस 61 ये होता है 148। और अगर 501 माइनस 209 करेंगे तो ये मिलेगा हमको 292। अब डेल्टा 2y वाली टर्म्स हम कैलकुलेट करेंगे क्योंकि हम सेकंड इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर से नीचे वाली टर्म माइनस ऊपर वाली टर्म, तो ये है 52 माइनस 4, ये आता है 48। देन 148 माइनस 52 यहाँ पर आएगा 96। 209 माइनस 142 हमें मिलता है 144। तो ये हो गई डेल्टा 2y टर्म। देन डेल्टा 3y वाली टर्म्स हम कैलकुलेट करेंगे, तो दिस माइनस दिस ये है उसका हाफ, यानी यहाँ पर आता है 48। और 144 माइनस 96 फिर से यहाँ पर आता है 48, और 48 माइनस 48 आएगा 0। तो इस तरह से हम यहाँ पर फॉरवर्ड टेबल ड्रॉ कर दिया है। अब नेक्स्ट है हमें वैल्यूज पुट करके देखना है, तो उसके लिए हमने जो फॉर्मूला इस्तेमाल किया था उसमें हमने u ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है, तो u की वैल्यू है u इज इक्व टू 0.5। अब हमें फॉरवर्ड हम इस्तेमाल कर रहे हैं फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल में फॉरवर्ड इंटरपोलेशन, तो ऊपर वाली वैल्यूज ये है वाई जीरो, हम वाई जीरो इस्तेमाल करेंगे, देन फोर इस्तेमाल करेंगे, ये वाला 48, ये वाली टर्म्स ऊपर वाली यानी फर्स्ट नंबर वाली जो टर्म है ये हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। तो डेल्टा वाई जीरो होता है 4, वाई जीरो रहेगा 5, डेल्टा वाई जीरो रहेगा 4, डेल 2 वाई जीरो रहेगा 48, बाद में डेल 3 वाई 48, और आखिरी वाली टर्म है 0। अब हम इस्तेमाल करेंगे फॉर्मूला, यहाँ पर फॉर्मूला है हमारा y इज इक्व टू ये वाला जो हमने ऑलरेडी देखा है। अब हम हर एक वैल्यूज यहाँ पर अगर पुट करते हैं, दैट इज y0, डेल्टा y0, डेल 2 y0, देन डेल 3 y0, इस तरह से अगर हम सभी वैल्यूज यहाँ पर पुट करते हैं तो हमें फॉर्मूला कुछ इस तरह से चेंज होगा। आखिरी वाली टर्म हमारी 0 थी, दैट इज डेल्टा 4 y हमारी टर्म 0 थी, तो इसीलिए मल्टीप्लाइड बाय 0, तो ये 0 हो जाता है। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमें y की टर्म मिलती है, y की वैल्यू मिलती है 4। तो हमारा जो आंसर है ये आता है यहाँ पर 4। दोस्तों आपके लिए एक प्रैक्टिस प्रॉब्लम है, आपको यहाँ पर फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 0.12, यहाँ पर देख सकते हैं कि ये वैल्यू 0.1 और 0.15 यानी एट द बिगिनिंग ऑफ टेबल है। तो अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो आंसर क्या होता है, ये आंसर मिलेगा हमें 0.1205। तो यह है हमारा यहाँ पर फाइनल आंसर जो tan 0.12 के लिए हमें मिलने वाला है। तो आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करके देखना है,
और बताना है कि आपका आंसर यही आ रहा है या नहीं। इसके बाद हम देखेंगे न्यूटन्स बैकवर्ड इंटरपोलेशन। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए न्यूटन्स बैकवर्ड इंटरपोलेशन में मेन चीज हमें क्या ध्यान में रखनी है, तो हमारे हमारा जो टेबल है डिवाइडेड डिफरेंस टेबल, इसमें अगर एंड को या फिर सेकंड हाफ में अगर हमारा हमें अगर फंक्शन की वैल्यूज फाइंड करनी है तो हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा न्यूटन्स बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला। तो इसी प्रोसेस का यानी लास्ट डेटा सेट पॉइंट हम इस्तेमाल करते हैं और इसमें इस्तेमाल करते हैं हम बैकवर्ड डिफरेंसेस फॉर्मूला में बैकवर्ड डिफरेंसेस इस्तेमाल करते हैं और जो टेबल रहता है उसको हम बोलते हैं बैकवर्ड डिफरेंस टेबल। तो इसीलिए ये जो मेथड है ये हो गई न्यूटन्स बैकवर्ड इंटरपोलेशन। तो इसका जो फॉर्मूला है ये कुछ इस तरह से है, y इज इक्वल्स टू वाई एन। दोस्तों प्रीवियस फॉर्मूला में हमने यहाँ पे y जीरो लिखा था, अब हमारा जो टर्म है वो वाई एन है। अगर हमारा वाई एन का मतलब है आखिरी वाली टर्म, यहाँ पर डेल्टा की जगह पे यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं नेबला, तो ये हो गया u मल्टीप्लाइड बाय नेबला वाई एन प्लस u मल्टीप्लाइड बाय u प्लस वन। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर हम माइनस नहीं तो प्लस इस्तेमाल कर रहे हैं, तो प्रीवियस इसमें चेंज क्या हो गया, यहाँ पर वाई एन टर्म आ गई हर एक जगह पर, देन यहाँ पर माइनस की जगह पे प्लस साइन आ गया और यहाँ पर डेल्टा की जगह पे हम इस्तेमाल कर रहे हैं नेबला। तो फॉर्मूला करीब करीब वैसा ही दिख रहा है, थोड़े बहुत चेंजेस है। ये नेबला सिर्फ एक नोटेशन है जो हम बैकवर्ड इंटरपोलेशन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, अदरवाइज इस पे ज्यादा इफेक्ट नहीं होता है। और वैसे भी यू के जगह पे कुछ कुछ बुक्स में आपको पी क्यू ये अलग अलग नोटेशन यहाँ पे दिखेंगे, हमने यहाँ पर यू ही इस्तेमाल किया है। तो हमारा फॉर्मूला यहाँ पर होता है वाई एन प्लस यू नेबला वाई एन प्लस यू यू प्लस वन अपॉन टू फैक्टोरियल नेबला टू वाई एन प्लस यू यू प्लस वन यू प्लस टू अपॉन थ्री फैक्टोरियल नेबला थ्री वाई एन, ये अप टू एनथ वाई एन तक कंटिन्यू रहेगा। फिर से वही रूल है कि जितने टर्म्स है उतना माइनस वन हमारा यहाँ पर बैकवर्ड डिफरेंस रहेगा। अब u की वैल्यू यहाँ पर चेंज हो जाती है, ये रहती है x माइनस xn, प्रीवियसली ये थी x माइनस x0, अब ये हो गई x माइनस xn अपॉन h। तो दिस फॉर्मूला इज नोन एज न्यूटन्स बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला। दिस फॉर्मूला इज ऑल्सो नोन एज न्यूटन्स ग्रेगरी बैकवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूला। तो इसे न्यूटन्स बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला या फिर न्यूटन्स ग्रेगरी बैकवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूला भी हम कहते हैं। तो बैकवर्ड डिफरेंस टेबल जो है वो कुछ इस तरह से है, सिर्फ हम यहाँ पे नेबला वाली टर्म्स इस्तेमाल कर रही है ऊपर। अब मैंने यहाँ पर दोस्तों ये चेंज मैंने किया है, ये एक्चुअल नहीं है, यहाँ पर हम डेल्टा ही इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि ये बिल्कुल फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल जैसे ही रहता है, नीचे वाले टर्म माइनस ऊपर वाले टर्म। तो ये रहेगा y1 माइनस y0, y2 माइनस y1, y3 माइनस y2 और इसी तरह से ये सेकंड बैकवर्ड डिफरेंस में क्या रहेगा, तो ये डेल्टा y1 माइनस y0। तो बिल्कुल सेम प्रोसीजर है, यानी हम सेम टेबल इस्तेमाल कर सकते हैं फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों के लिए। तो टेबल वही है, सिर्फ यहाँ पर टर्म्स जो इस्तेमाल करते हैं वो कुछ इस तरह से इस्तेमाल करते हैं, इंस्टेड ऑफ यूजिंग डेल्टा वी आर यूजिंग हियर नेबला। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एक नेबला वाली टर्म है, नेबला वाई वन नेबला वाई टू नेबला वाई थ्री वाई फोर, इस तरह से नेबला स्क्वायर नेबला टू वाई टू, ये नेबला 2y3, लेकिन ये जो टर्म है आखिरी वाली आप देखेंगे हम यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं आखिरी वाली टर्म्स। तो अगर हम बैकवर्ड डिफरेंस टेबल इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये वाली जो यानी आखिरी वाली जो टर्म्स रहेगी वो इस्तेमाल करेंगे इस तरह से। तो y5 डेल्टा y5 सॉरी नेबला y5 नेबला 2y5 नेबला 3y5 नेबला 4y5, इस तरह से हम जो नीचे वाले टर्म्स है ये इस्तेमाल करते जाएंगे बैकवर्ड डिफरेंस टेबल में। फिर से एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं, न्यूमेरिकल में टेबल हम वही इस्तेमाल कर रहे हैं, वैल्यूज भी वही इस्तेमाल कर रहे हैं, हमें फाइंड करना है एफ ऑफ सेवन। एफ ऑफ सेवन यानी
ये है 6 और 8 के बीच में, यानी आखिरी टेबल के आखिरी आखिरी है, टेबल के आखिरी हिस्से में अगर आता है तो हमें इस्तेमाल करना है बैकवर्ड डिफरेंस, बैकवर्ड इंटरपोलेशन। तो न्यूटन बैकवर्ड इंटरपोलेशन हमें यहाँ पर इस्तेमाल करने वाले हैं, क्योंकि ये एट द एंड ऑफ टेबल हमें एफ ऑफ 7 की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी एक्स इक्वल्स टू 7 अगर रहेगा तो वाई की वैल्यू क्या रहेगी, ये हम यहाँ पर फाइंड करने वाले हैं। फॉर्मूला ये जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया था, यहाँ पर टोटल टर्म्स आप देख सकते हैं, ये टोटल टर्म्स है 5, या फिर अगर हम x 0 से लेके जाएंगे तो ये x 4 तक ये बराबर आता है, तो इसीलिए हमारा जो आखिरी वाला टर्म रहेगा दैट इज बैकवर्ड डिफरेंस जो आखिरी रहेगा वो रहेगा फोर्थ लेवल तक, यानी नेबला 4yn तक ये टर्म्स आएगी। h u हम कैलकुलेट करते हैं यूजिंग x माइनस एक्स एन डिवाइडेड बाई h फॉर्मूला इस्तेमाल करके। x की वैल्यू अब क्या है, तो x की वैल्यू है 7, क्योंकि हमें अबव 7 फाइंड करना है। x n की वैल्यू क्या है, तो आखिरी वाली वैल्यू डेफिनेटली ये है 8, तो 7 माइनस 8 डिवाइडेड बाई h, तो h यानी इंटरवल रहता है ये 0 2 4 6 8, यानी हर एक के बीच में 2 का डिफरेंस है, फिर से ये इक्वल इंटरवल होना चाहिए, ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये वैल्यूज है, अगर हम फॉर्मूला में पुट करते हैं तो u की वैल्यू हमें मिलती है ये 7 माइनस 8 यानी माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू माइनस 0.5। तो हमारा जो u है अब हमें मिला है निगेटिव, और ये निगेटिव ही मिलना चाहिए दोस्तों, ये भी चीज आपको ध्यान में रखनी है। प्रीवियस केस में यानी न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन में ये पॉजिटिव मिलना चाहिए था, अब ये कंपल्सरीली हमारा निगेटिव आना चाहिए। तो टेबल हमने ऑलरेडी ड्रॉ किया है, सेम टेबल आएगा, बिल्कुल वही वैल्यूज हमने यहाँ पे ऑलरेडी लिखी है जो हमने प्रीवियसली इस्तेमाल की थी। अब यहाँ पर हमें क्या ध्यान में रखना है, तो हमें आखिरी वाली टर्म्स इस्तेमाल करनी है, तो yn वाली टर्म्स जो है ये है 501, यहाँ पर मैंने yn ही लिखा है दोस्तों। तो यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान में रखनी है कि मैंने yn लिखा है, हो सकता है बुक्स में ये y4 इस्तेमाल किया हो, क्योंकि ये आखिरी वाला यानी ये y0 y1 y2 y3 y4, तो ये y4 हो सकता है बुक्स में इस्तेमाल किया हो, मैंने यहाँ पर जानबूझकर yn करके टर्म इस्तेमाल की है। देन अब नेबला y4 ये है 292, देन नेक्स्ट टर्म नीचे वाली ये है 144, 48 और 0 रिस्पेक्टिवली। तो इस तरह से हम नेबला 2yn, नेबला 3yn, एक्चुअली ये हर एक टर्म फोर्थ वाली है, तो यहाँ पर हम 4 भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे आपको ठीक लगे आप वैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये है हमारा फॉर्मूला, इस फॉर्मूला में अगर हम हर एक वैल्यू जो यहाँ पर दी है वो पुट करते हैं और इसको कैलकुलेट करते हैं, तो हमें जो फाइनल आंसर है वो मिलना है y इज इक्वल टू 334। आप इसको खुद कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करके देख सकते हैं, तो हमारी जो आखिरी वैल्यू है y ऑफ f ऑफ 7 यानी f ऑफ 7 यानी फंक्शन की वैल्यू एट x इक्वल टू 7 कितनी रहेगी, तो ये रहेगी 334। एक क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए आप देख सकते हैं कि ये हर एक जगह पे इंक्रीजिंग है, और 6 और 8 के बीच में हमारी 209 और 501 है, तो इसके बीच में ये वैल्यू आनी चाहिए थी, वो वैसे ही हमें यहाँ पर मिल रही है। एक प्रैक्टिस प्रॉब्लम यहाँ पर भी आप सॉल्व करके देख सकते हैं, यहाँ पर हमें एफ ऑफ 4.12 फाइंड करना है, एफ ऑफ 4.12 तो 4 और 5 के बीच में है, तो डेफिनेटली ये एट द एंड ऑफ टेबल है, इसीलिए हम बैकवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन ही इस्तेमाल करेंगे। ये हो सकता है मेंशन किया हो या फिर नहीं मेंशन किया हो, आपको डिसाइड करना है कि अगर ये इनिशियल स्टेज में आती है वैल्यूज तो आप इस्तेमाल करेंगे फॉरवर्ड इंटरपोलेशन, और आखिरी आखिरी आती है तो आप इस्तेमाल करेंगे बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला। तो यहाँ पर ये 5 और 4 और 5 के बीच में है, तो इसका जो आंसर है ये मिलेगा आपको 17.39135। दोस्तों इसको चेक भी कर सकते हैं, मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर रहा हूँ, आपको इसका सॉल्यूशन भी मिल सकता है, लेकिन आपको इसे प्रॉब्लम सॉल्व करके देखना है और इसका आंसर इतना आता है क्या,
वो देखना है। अगर नहीं आता है तो ही आप लिंक का इस्तेमाल यहाँ पर कर सकते हैं। कुछ प्रॉब्लम्स मैं फिर से कवर करने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी बहुत बड़ा हो गया है, तो नेक्स्ट वीडियो को भी आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। थैंक यू।